ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माधव वॉइस में। बड़ी उलझन है इस जिंदगी में, किससे नफरत करे और किससे प्यार करे। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे हैं, किस पर शक करे और किस पर एतबार करे। अक्सर महान बनने की चाहत में लोग इंसान बनना भूल जाते हैं। जो जिंदगी आप अभी जी रहे हैं, कई लोगों के लिए वह अब भी महज एक सपना है। इसलिए जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं, उससे संतुष्ट और खुश रहिए। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या फिर वहम से। न जाने कब खर्च हो गए, पता ही ना चला वो लम्हे जो छुपा कर रखे थे जीने के लिए। न जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जो खुद आखिरी सफ़र के लिए भी औरों का मोहताज है। अपनों को अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना रहना सिखा देगा। वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो कभी अपनों से भी। अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। अपनी सफलता का रोब माता पिता को मत दिखाओ, उन्होंने अपनी जिंदगी हार के आपको जिताया है। हर याद जिंदगी की अब भुलाई नहीं जाती, और अपनों से दुश्मनी कभी निभाई नहीं जाती। जिस इंसान ने पूरे वक्त में खुश रहना सीख लिया हो, तो समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए ज़रूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग अपने आप सिखा ही देते हैं। आप किसी का दिल दुखाओ और वो खामोश रहे, तो समझ लेना कि वो खुद से ज़्यादा आपको प्यार करता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी से रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। शब्दों का भी एक अपना अलग स्वाद है, बोलने से पहले चख लीजिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को अच्छा कैसे लगेगा। भरोसा रखो, जब हम किसी का कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए भी कहीं कुछ न कुछ अच्छा हो रहा होता है। याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी किए जाओगे। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो ज़िंदगी में अकेले रह जाओगे। भरोसे में इतना अंधा भी मत बनो कि पास वाले का असली रंग भी ना दिखाई दे। टाइम मिलने पर बात करने में और टाइम निकाल कर बात करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते, कुछ लोग इसलिए झुक जाते हैं ताकि रिश्ते सलामत रहे। दिल छोटा मत करो, जो गया उसे जाने दो। अगर उसे फिक्र होती तो जिक्र ज़रूर करता। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, और दूरी भी इतनी ज़रूरी है ताकि मिलने का भी इंतज़ार रहे। कभी कभी बहुत सी बातें करनी होती है, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। इतना भीड़ बढ़ रही है ज़माने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। गरीबों का कभी मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। कभी अगर ज़िंदगी में बुरे दिन आ जाए, तो इतना हौसला जरूर रखे कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की जितनी कम शिकायतें हैं, वही इस जगत में अधिक सुखी रहता है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द है। मुस्कान कई समस्याओं का हल करने का तरीका है, और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो।
रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। रिश्तों के बाजार में अक्सर वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। शिकायत करने से शांत रहना बेहतर है, क्योंकि जब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। नज़र अपनी कमियों पर भी रखो, हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, मगर चर्चा उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। महादेव कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अपने वर्तमान में तुम अच्छे कर्म करते हो तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को ज़रूर अच्छा बना दूंगा। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो इसलिए अकेला है क्योंकि उसने दुनिया की औकात देखी है। महादेव कहते हैं, लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा और सच्चा नहीं होता। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं है। जब तक लोगों का स्वार्थ नहीं निकलता, वो तब तक आपके साथ रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत मिलती है। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत देखो, बस खुद को आगे ले जाने का प्रयास करते रहो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।